वेलकम अगेन इन लर्नविद इतिमन। मेरे चैनल पर आप लोगों को जितनी भी सरकारी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी आती है वो सभी आप लोगों को मिलेगी। पिछले वीडियोस आप देखिएगा यदि आप जॉब पाना चाहते हैं, जॉब सर्च कर रहे हैं। राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर के द्वारा वैकेंसी निकाली गई है, परमानेंट जॉब रहने वाली है, 533 गवर्नमेंट पोस्ट रहेंगी। यहाँ पर वैकेंसी जो निकाली गई है शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक की है, पुस्तकालय अध्यक्ष की है और इसके अलावा सहायक आचार्य की वैकेंसी भी आई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन करना होगा, 6 सितंबर से आवेदन स्टार्ट हो जाएंगे। तो कैसे जो है वो एप्लीकेशन करनी है सारी चीजें आप लोगों को ऑफिशियली बताई जाएगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ये मेन वेबसाइट है और यहाँ पर आप देख रहे हैं रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट, इस पर आप लोगों को क्लिक करना है और इस तरीके का जो है पेज ओपन हो जाएगा जहां पर जितने भी वैकेंसी अभी तक की आई है वो सभी आप लोगों को यहाँ मिलेगी। सबसे ऊपर 1 सितंबर को जो रिलीज की गई है एडवर्टीजमेंट वो आप लोगों को दिखेगी। एडवर्टीजमेंट लाइब्रेरियन पीटीआई और इसके बाद जो है होम साइंस एपी कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट 2023, इस पर जो है वो आप लोगों को क्लिक करना है और कंप्लीट एडवर्टीजमेंट आप लोगों के सामने आ जाएगी। तो ये जो है न्यूज़पेपर की कटिंग है, संक्षिप्त विज्ञापन, कंप्लीट एडवर्टीजमेंट मेन वेबसाइट पर है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये दिखा देती हूँ, यहाँ पर जो पदों की जो संख्या है 247 पद जो है वो लाइब्रेरियन के हैं, 247 पद फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर के 39 पदों हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आयु सीमा जो है वो सभी की 21 से 40 वर्ष जो है वो रखी गई है। आवेदन स्टार्ट 6 सितंबर से है और जो है एंडिंग जो है वो 5 अक्टूबर रहने वाली है। पदों की संख्या मैंने आपको बता दी है और ये जितने भी पद रहेंगे ये बिल्कुल स्थायी पद हैं। नीचे जो है वो आप देखेंगे मेन मेन चीजें जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगी, बाकी जो है लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी ताकि आप कंप्लीट एडवर्टीजमेंट पढ़ सकें यदि आप एप्लीकेशन करने के इच्छुक हैं। यहाँ पर यदि आप किसी भी के लिए एप्लीकेशन करना चाहते हैं, चाहे लाइब्रेरियन है या फिर जो है पीटीआई के लिए या फिर सहायक आचार्य के लिए, तो मास्टर डिग्री जो है वो आपकी चाहिए इसी सब्जेक्ट में 50% मार्क्स के साथ में, नेट क्वालिफाई होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है, या फिर स्लैट या सेट जो भी आपके पास हो, पीएचडी डिग्री जो है यहाँ पर मांगी गई है। तो ये जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो फिजिकल प्रशिक्षण अनुदेशक, इसके लिए भी यही एलिजिबिलिटी मांगी गई है, मास्टर डिग्री 55% मार्क्स के साथ में होनी चाहिए और यहाँ पर जो है सभी में दिया हुआ है नेट पीएचडी स्लैट या सेट जो भी आपने किया हो तो वो आप देखें, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है कि पे स्केल जो है आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, तो 15,600 से 39,100, ठीक है। तो ये जो है राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन, ये जो है आप लोगों का प्रोबेशन टाइम पर आप लोगों को इतनी सैलरी जो है वो मिलेगी, उसके बाद जो है वो आप लोगों को पता है कि सैलरी जो है वो आपकी बढ़ा दी जाती है। उम्र जो है यहाँ पर न्यूनतम 21 है और अधिकतम 40 वर्ष है। एज रिलैक्सेशन जो है वो दिया गया है यहाँ पर, राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर पुरुष वर्ग 5 वर्ष की छूट है, सामान्य वर्ग की महिला 5 वर्ष की छूट है। राजस्थान राज्य के जो एससी एसटी और अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिला है, महिला को जो है वो यहाँ पर 10 वर्ष की छूट है। विधवा और विच्छिन्न महिला को यहाँ पर जो है अधिकतम आयु सीमा नहीं, यानी कितनी भी एज हो तो यहाँ पर एप्लीकेशन कर सकती हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी, आप डिटेल इन्फॉर्मेशन जो है वो पढ़ें और उसके बाद एप्लीकेशन करिएगा। 6 सितंबर से स्टार्ट है चयन प्रक्रिया के लिए, यहाँ पर आपका एग्जाम होगा और एग्जाम के बाद जो है यहाँ पर इंटरव्यू भी आपका हो सकता है और आवेदन की प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल यहाँ पर डिटेल में जो है वो लिखी गई है किस तरीके से आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप आवेदन करेंगे। आवेदन शुल्क जो है कितना लिया जाएगा, तो जो जनरल कैटेगरी है 600 रुपये लगेंगे और आरक्षित जो वर्ग है उसके 400 रुपये यहाँ पर लगेंगे, दिव्यांग जन के यहाँ पर 400 लगेंगे। आरक्षित वर्ग में एससी एसटी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और शहरी क्षेत्र के अभ्यर्थी ये सभी आ जाएंगे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन जो है इन्होंने दिया हुआ है, लाइब्रेरियन के लिए यहाँ पर 200 मार्क्स का जो है वो आपका एग्जाम होगा। इसी तरीके से जो है यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर का भी 200 मार्क्स का एग्जाम होगा। आपका यहाँ पर क्या पूछा जाएगा, तो सब्जेक्ट कंसर्न विद द पोस्ट, लाइब्रेरियन के लिए आप दे रहे हैं तो लाइब्रेरियन की जो है वो आप लोगों से नॉलेज पूछी जाएगी यहाँ पर 75-75 नंबर की और 50 नंबर का आपका राजस्थान का जीके। इसी तरीके से यहाँ पर फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर और असिस्टेंट प्रोफेसर होम साइंस, इसके लिए भी यही है 200 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है।
बाकी मेन चीजें जो है वो मैंने आप लोगों को बिल्कुल कंप्लीट बता दी हैं। यदि आप इंटरेस्टेड हैं और आपका जो है आपने किया है, आपने इसी के लिए जो है क्वालिफिकेशन ली है, तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म भरिएगा, क्योंकि बहुत समय बाद जो है वो वैकेंसी आरपीएससी के द्वारा निकाली गई है, लाइब्रेरियन की, पीटीआई की और होम साइंस की। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।